हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बेटी के बर्थडे का व्लॉग। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, इसमें मेन्यू से लेके सारी शॉपिंग, रिटर्न गिफ्ट, सब कुछ मैंने जो भी अरेंज किया ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे करना मैंने क्या किया है कि मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला तो मैंने मेन्यू पार्ट किया है, जो भी कुकिंग की है वो दिखाया है, और दूसरा जो भी शॉपिंग की और जो भी सेलिब्रेशन हुआ ना, तो वो दूसरे पार्ट में है। तो दोनों में बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अब चले शुरू करते हैं बर्थडे के एक दिन पहले की प्रिपरेशन। तो अभी बज रहा है रात का 10, तो मैं आज ही कुछ तैयारी कर रही हूँ, कल ना थोड़ी सी आसानी हो जाए क्योंकि कल बहुत काम है। तो मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को बारीक काट के और उसका पानी एक्स्ट्रा निकाल लिया है, थोड़ा नमक डाला था। यहाँ पे पीली मटर भीग गई है और यहाँ पे साथ ही साथ बॉयल हो गया है आलू। तो ये सारी चीज़ें, आलू वगैरह, सब फ्रिज में रखाएगी ताकि सुबह जल्दी बनना शुरू हो जाए खाना। तो यहाँ पे देखिए, ये पापड़ी, ये मेरी देवरानी पहले से बना के लेके आई थी, तो ये इसने मैदे की पापड़ी बनाई है पूरे 1 केजी की। तो इसका हमें बनाना है पापड़ी चाट, और ये स्टार्टर में रहेगा। तो पापड़ी चाट, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब स्टार्टर में है। अब यहाँ पर चाट के लिए ही देखिए, मैंने यहाँ पर इमली की चटनी बना ली है, तो ये मीठी चटनी है। अभी मंचूरियन के लिए ना, मंचूरियन का बॉल्स हम अभी ही बना रहे हैं, मतलब एक दिन पहले रात में। तो यहाँ पे मैदा और अरारोट बराबर मात्रा में डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच, और सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आपको अरारोट और मैदा बराबर मात्रा में तब तक मिलाना है जब तक कि थोड़ा सा ड्राई बॉल्स जैसा ना हो जाए। जैसे मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो बस अब इसका बॉल्स बना लेंगे और इसको सबको एक साथ रख देंगे। तो आप चाहें तो, अगर गर्मी है तो बॉल्स को आप एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 40 लोगों के लिए बनाया था। तो अभी देखिए, इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो सारे बॉल्स को आप बिल्कुल मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई करें। और मंचूरियन इसलिए भी मैंने रखा ना मेन्यू में कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को, खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो साथ ही साथ मैं मेन्यू भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर है मंचूरियन और इसके साथ है नूडल्स। तो मैंने नूडल्स कैसे बनाया, टोटल 1 केजी नूडल्स बनाया था, उसे किस ट्रिक से बनाते हैं मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी। तो अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप झटपट से बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को आप बना सकते हैं। तो देखिए, ये बॉल्स बन के तैयार हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया ना, जो नूडल्स थे उसे बॉयल किया एक रात पहले, मतलब रात में ही, और उसके बाद उसको एक बार पानी से अच्छे से वॉश करके फिर तेल लगा के एक बड़े बर्तन में फैला दिया ताकि ये बिल्कुल अलग अलग रहे। ठंडी का मौसम है इसलिए ख़राब नहीं होगा। यहाँ गुलाब जामुन के लिए मैंने लगभग 1 केजी चीनी ली, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। अब इसे थोड़ा बॉयल करना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुटी हुई इलायची डाली, और ये गिट्स का जो सीएमआ पाउडर मिलता है ना, गुलाब जामुन वाला प्रीमिक्स, उसी को मैंने बनाया। अगर मैं बोलूँ तो सारे मेन्यू में मेरा ओके ये गुलाब जामुन ही बना था। अभी यहाँ पे प्याज है, तो जो भी कल सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनेगी ना, उसके लिए मैं 1 केजी के प्याज मैं 1 केजी प्याज को बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करने से आगे क्या बेनिफिट है वो आपको बताती हूँ। तो ये आपका एक और टिप्स है कि जब भी बहुत ज़्यादा कुछ खाना बनाना हो तो प्याज को बॉयल करके ही यूज़ करें, अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए, जो चाशनी है वो भी पक रही है, तो इसको हम एक साइड करते हैं। अब चलते हैं गुलाब जामुन को फ्राई करने की तरफ। अब यहाँ पे थोड़े से तेल में, जब तेल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ही गर्म होगा ना, ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई, तभी यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े बॉल्स को बनाना है। हमारा प्याज भी बॉयल हो रहा है और यहाँ पे हम गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे। तो मेरे कुछ गुलाब जामुन शुरू में फट रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं कोई चीज़ है जिसे मैं सेटिस्फाई नहीं थी, तो वो ये गुलाब जामुन ही था, जिसे मैं फिर कभी अच्छे से बनाऊँगी। तो यहाँ पर इसी तरह हम सारे बैच को फ्राई कर लेंगे और इसे एक किनारे रखते जाएंगे। गरम गरम गुलाब जामुन कभी भी चाशनी में ना डालें, पहले आप फ्राई करके इसको अलग कर लें, और फिर बाद में जब आपके सारे गुलाब जामुन हो जाएं तो चाशनी अगर ठंडी हो गई है, थोड़ा गुनगुना करें और फिर इसमें सारे गुलाब जामुन को अच्छे से डाल के थोड़ा सा अच्छे से दबाएँ, थोड़ा डिप हो जाए, और उसके बाद इसे कवर करके रख दें। तो गुलाब जामुन बनाने में और बाकी तैयारी करने में मुझे रात का बच गया टाइम हो रहा है 2:40 लगभग। काम हो गया है, मतलब मसाला, प्याज बॉयल हो गया है, और सोचा था मसाला बनाने के लिए लेकिन मसाला नहीं बन पाया, और सब लोग सो गए हैं।
बस बचे हैं मैं और मनीषा। मनीषा का थोड़ा सा सामान रखना होगा और उसके बाद फिर सोएंगे। देखते हैं सुबह कितने बजे उठते हैं और बाकी का काम अब कल होगा। हो गई है सुबह। अभी यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन खुल है तैयार। गुलाब जामुन हो गया है और यहाँ मगज, काजू और पोस्ता का दाना भिगा दिया है ग्रेवी के लिए, मटर पनीर के लिए। 1 किलो के लगभग टमाटर को बॉईल कर लिया है। मटर हमारा अच्छा सोख हो गया है और यहाँ पे साथ ही साथ जो प्याज है ना वो भी देखिए बॉईल हो गया है और आलू बॉईल है तो आलू दम बनाएंगे। अभी किचन की हालत थोड़ी ख़राब है, किचन बिल्कुल ऐसा मैसी हुआ है, किचन थोड़ा सा मिटना है। सबसे पहले हमने आलू दम ही बनाया तो मैंने 1/4 कप के लगभग तेल लिया। तेल में जीरा, हींग, तेजपत्ता का तड़का और 1/2 कप के लगभग प्याज डाल दिया। तो प्याज बॉईल करने से होता यह है कि प्याज भुनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बनता है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सबको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। बिल्कुल बेसिक मसाले जो होते हैं ना, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, तो वो क्वांटिटी के हिसाब से डाला। जैसे मैंने यहाँ पे ये मसाले वाला चम्मच लिया और 5 चम्मच धनिया पाउडर, 3 से 4 चम्मच हल्दी, 3 से 4 चम्मच सब्जी मसाला, 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर सॉरी जीरा पाउडर और 3 चम्मच के लगभग मैंने किचन किंग मसाला लिया और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा पानी डाला है और इसे थोड़ा सा भून लेना है। तो मसाले देखिए सब अच्छे से भुन जाएंगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इससे होगा ये कि तेल भी कम लगेगा और मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। 1 कटोरी के लगभग पीसा हुआ टमाटर डाल दिया है। अब क्योंकि कढ़ाई मेरी ये थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी और आलू था 1.5 से 2 किलो आलू था और फिर बाद में मुझे गोभी मिला ना, तो मैंने गोभी भी फ्राई करके इसमें ऐड कर दी ताकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए। मिर्च कम थी तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली, थोड़ा नमक भी डाला और फिर हरी मिर्च भी बाद में ऊपर से डाल दिया। और उसके बाद 2 कढ़ाई में करके इसको थोड़ी देर भुना अच्छे से और उसके बाद पानी डाल दिया। तो कभी भी आप बहुत बल्क में सब्जी बनाए ना तो उसे भुने अच्छे से, तभी उसका स्वाद अच्छा और आता है। अब यहाँ 1.5 चम्मच के लगभग मैंने कसूरी मेथी डाली, दोनों को अच्छा बॉयल किया और फिर एक बर्तन में पलट दिया। अब यहाँ पे पनीर था, पनीर 1 kg था, उसको फ्राई किया। अब तेल में खड़े मसाले जो भी है ना वो डाल दें। अब यहाँ पे फिर से मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ मैंने 1/2 कटोरी मतलब आप 1 कप के लगभग यहाँ पे प्याज का पेस्ट डालें और यहाँ पे फिर से 3 से 4 बड़ा चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है 2 चम्मच। अब आप चम्मच का ध्यान दें, मैंने जिस चम्मच से डाला है उसी के अकॉर्डिंग और बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, जितना डाला है उतना दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और ये किचन किंग मसाला है और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी हो ना तो 1-2 चम्मच वो भी डाल दें। अब यहाँ पे नमक डालें और इसको भी भून लें थोड़ी देर के लिए। आप अगर भूलेंगे तो मैं हर वीडियो को अलग अलग से भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे इसको अच्छे से भून लें, तो जो भी मसाले डाले ना उसको अच्छे से भुने। देखिए अभी आपको कलर थोड़ा थोड़ा इसमें तेल दिख रहा है। मैं एक्चुअली भूल गई थी हड़बड़ी में कि मटर भी डालना है, फिर बाद में मैंने यहाँ पे मटर ऐड किया। अभी यहाँ पे वो जो काजू वाला पेस्ट था इसमें ना 3 से 4 चम्मच था काजू, 3 से 4 चम्मच मगज और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग पोस्ता का दाना था। इसको 1/2 घंटे भिगा के पेस्ट बनाया था वो डाला। टमाटर का पेस्ट 1 कटोरी के लगभग डाला और कसूरी मेथी डाल दिया। अब इन सबको जब भूनने लगी ना तो याद आया कि मटर नहीं डाला, फिर मटर भी साथ ही साथ डाल दिया। और इसको आप बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दें और मसाले को अच्छे से भुनने दें, क्योंकि अगर मसाले कच्चे रहेंगे ना तो उतनी टेस्टी नहीं लगती है सब्ज़ी। अब यहाँ पे देखिए पीली मटर जो भिगाई थी ये भी उबल गई, तो हमारा आलू गोभी हो गया, मटर हो गया और मटर पनीर भी हमारा लगभग बन के तैयार है। ये देखिए मसाले भुन रहे हैं। तो अब क्योंकि ये बर्तन बहुत छोटा था तो आप ऐसे मसाले भुने और फिर बड़े बर्तन में पलट दें, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे बनाना है छोला, तो जो पीली मटर भीगी है तेल में डाला है जीरा, हींग और फिर छोले मसाले। तो ऐसे कोई बड़ी पार्टी हो ना तो इस तरीके का मसाला रखें जो टेस्ट को थोड़ा और अच्छा बनाएगा। तो 3 से 4 चम्मच डाल दें छोले मसाले और उसके बाद कुछ बेसिक मसाला और डाल दें, जैसे नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। तो 2 से 3 चम्मच आप डाल दें धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच डाल दें जीरा पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लें, थोड़ी देर भुनने दें। डाल दिया है 1-1.5 चम्मच अमचूर, ड्राई मैंगो पाउडर जो होता है वो, और इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे। और बस इसमें मटर को
आगे ऐड कर देंगे। तो ये जो छोला है ना, चटपटा भी रहेगा और पापड़ी चाट में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आया था। बाद में हम थोड़ा सा दही वगैरह से भी इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। थोड़े से टमाटर थे मेरे पास, मतलब टमाटर का पेस्ट था ना आधा कटोरी के लगभग, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको भून लिया। अब यहाँ पे एक बार छोला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मसाले हैं वो हो गए हैं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है और हल्का सा बिल्कुल आधा चम्मच के लगभग नमक डाला है। जितनी भी ग्रेवी रखनी है ना, पानी बॉयल करें और जो मसाले हैं उसको डायरेक्ट बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करें और ढक के एक बॉयल होने तक के पकाएं। और उसके बाद जो पनीर आपने फ्राई किया है ना, वो उस पनीर को इसमें ट्रांसफ़र कर दें और एक बार इसको अच्छा बॉयल करने दें। जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रखें। अगर बाद में गाढ़ी हो जा रही है ना सब्ज़ी, तो थोड़े सा पानी बॉयल करके फिर उसमें मिला दें और नमक बीच में चेक कर लें कि पानी ज़्यादा डालने से कहीं नमक कम ना हो। तो बस आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। लास्ट में आप चाहें तो 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दें गरम मसाला और बस एक बॉयल करें और फिर इसे ढक के बस हरी धनिया के साथ सर्व करके एक किनारे कर दें। अब यहाँ पे मटर पनीर हो गया था मेरा और यहाँ पे अभी देखिए जो मैंने बताया था गरम मसाला वो डाल दिया। अब मेरा बचा मंचूरियन। तो जो नेक्स्ट मैं रेसिपी बनाऊँगी वो है मंचूरियन। तो मंचूरियन के लिए मैंने थोड़ा सा एक कढ़ाई में तेल लिया। तो आप तेल की क्वांटिटी देखिए कि जितनी क्वांटिटी में बना है तेल उस हिसाब से मैंने कोशिश किया है कि कम रखूँ। अदरक लहसुन डाला है और इसमें थोड़ा सा जो स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट होता है थोड़ा सा वो ऐड किया है। फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज को बारीक काट के वो ऐड कर दिया है और बीन्स डाला है। तो जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें ना, अपने चॉइस की वेजिटेबल्स को ऐड करें और उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से चलाएं। और फिर यहाँ पे पत्ता गोभी को भी थोड़ा सा अच्छे से मैंने बिल्कुल बारीक काट दिया है चॉपर में। और उसके बाद आधी कटोरी के लगभग प्याज डाला है, सॉरी टमाटर पीसा हुआ डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे इसके बाद जब ये थोड़ा भुन जाएगा तो आप पानी ऐड कर दें। तो मैं ऐसे ही बहुत ही झटपट से बनाती हूँ। और इसके बाद फिर पानी ऐड करने के बाद आप इसमें कुछ सॉस ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच सेज़वान सॉस लिया, 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप, 2 से 3 चम्मच चिली सॉस और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग आप सोया सॉस डालें। थोड़ा सा विनेगर डालें 1 चम्मच के लगभग और इन सबको अच्छे से मिक्स करें, बॉयल करें। नमक बिल्कुल लास्ट में डालें क्योंकि सॉस में पहले से नमक होता है। अब इसकी ग्रेवी को थिक बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएं, मतलब थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लोर को घोल के इसको ऐड करें और बिल्कुल गाढ़ा सा जब हो जाए ना तो इस ग्रेवी को आप अलग कर दें। बॉल सभी ना मिलाएं। जब आपके गेस्ट आ जाएं तो बस इसकी ग्रेवी को थोड़ा गर्म करें और फिर इसमें बॉल्स मिला दें, वरना अगर आप पहले ही बॉल्स मिला देंगे ना तो जो मंचूरियन होगा उसका जो बॉल्स होगा बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने यहाँ डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्प्रिंग अनियन से इसको बस ऐसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो मेरा सारा जो भी मेन्यू था वो बन गया तैयार था। अब बनाना था नूडल्स। तो बेसिकली 1 kg नूडल्स में मैंने क्या किया ना, 3 से 4 बैच में थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाली, मतलब थोड़े से तेल में सब अदरक और लहसुन और फिर अभी गाजर शिमला मिर्च यहाँ डाला, बाद में थोड़ा प्याज डाला और फिर नूडल्स डाला, फिर सोया सॉस और विनेगर डाला और नमक डाला। अब इसके बाद सेकेंड बैच में मैंने क्या किया कि तेल में बीन्स डाला, फिर थोड़ा सा प्याज डाला, फिर कुछ सब्जियां रह गई तो वो डाला। तो ऐसे ऐसे मैंने 3-4 बैच में करके और सबको एक बड़े बर्तन में जिसमें फैलाया था ना उसी में वापस मिला के और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। ऊपर से थोड़ा सा सोया सॉस और जो नमक कम वगैरह था ना उसको उसमें मैनेज कर लिया। तो एक साथ बहुत सारा नूडल्स और बहुत ही टेस्टी बन गया था, बहुत ही अच्छा बन गया था। लग ही नहीं रहा था कि इतने बैच में इसे मैंने बनाया है।